यमुना एक्सप्रेस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग थी आज। लगभग 42 के करीब प्रपोजल्स बोर्ड के सामने आए हैं। मुख्य रूप से बोर्ड ने लास्ट ईयर का जो बजट था उसकी समीक्षा करी है और राजस्व प्राप्तियाँ जो लक्ष्य था उससे कहीं अधिक आई हैं और एक्सपेंडिचर भी जो है जो लक्षित था उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है। तो एक तो लास्ट ईयर का बजट की समीक्षा हुई, नेक्स्ट ईयर के लिए जो बजट है उसको भी बढ़ा करके अप्रूव किया है। उसमें लैंड एक्विजिशन एक मेजर कंपोनेंट है जो हमारे को बढ़ाना है। दूसरा उसमें जो जेवर एयरपोर्ट है उसके लिए भी जो एडिशनल अंशधारिता और जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो बोर्ड ने क्लियर किया है। देन कई स्कीम्स बोर्ड ने जिसका डिटेल्स अलग से हम लोग देंगे, उसमें जो लाभार्थी हैं जिनका कुछ लोगों का कैंसिलेशन हुआ था उनको रेस्टोरेशन के लिए बात आ रही थी, उनको टाइम थोड़ी सी वृद्धि की थी, वो हम लोगों ने टाइम दिया है। इसी तरह से कई लोग लीज भी नहीं करा पाए थे कोरोना की वजह से, वो टाइम एक्सटेंशन के लिए दौड़ रहे थे, उनको हम लोगों ने रिलीफ दिया है और उनको एक टाइम पीरियड दिया है कि अब वो उस टाइम पीरियड तक अगर करा लेते हैं तो उनको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी और कोई उनका जो है वो कैंसिलेशन नहीं होगा, तो वो एक रिलीफ मिल गया है। कुछ लोगों ने कुछ स्कीम्स में लो इनकम ग्रुप में फ्लैट्स बुक करा रखे थे जिसका वो जमा पैसा नहीं करा पा रहे थे और वो वापसी चाह रहे थे, तो नॉर्मल कोर्स में वो अमाउंट फोरफिट हो जाता है, लेकिन उनको वापसी के लिए भी हमने एक विंडो दी है कि अगर उस तारीख तक वो वापसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उनका जो पैसा है वो हम लौटा देंगे। ऑपरेशन कायाकल्प में कई स्कूल यहाँ पे लिए गए हैं, कुल मिलाकर के यहाँ पे 98 प्राइमरी स्कूल और 40 जूनियर हाई स्कूल जो अथॉरिटी के एरिया में आते हैं उनको चयनित किया गया है और उनके लिए लगभग 6.25 करोड़ की धनराशि इसमें व्यय के लिए अनुमोदित की गई है और इससे इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, शौचालय होगा, वाटर सप्लाई की इसमें व्यवस्था होगी और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें हर स्कूल का बाकायदा सर्वे करके उसका डिटेल प्लान बनाया गया है और उसको एग्जीक्यूशन के लिए बोर्ड ने अनुमति दी है। इसमें तो ये एक मेजर डिसीजन है, इसमें अब इन सभी स्कूलों में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, टॉयलेट्स ये सब डेवलप हो पाएंगे। इनकी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाकायदा हर स्कूल वाइज क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या उसमें होना है, वो ऑलरेडी सर्वे करने के बाद में ये एस्टिमेट बोर्ड ने आज अप्रूव कर दिया है इनका। तो एजुकेशन को इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा यहाँ पे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा। ये फिर एक हेरिटेज सिटी जो आपकी राया में है उसके लिए भी एक प्रेजेंटेशन बोर्ड ने देखा था और उसको भी तेज़ी से उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट और DPR है वो बनाने के लिए कंसल्टेंट्स को निर्देशित किया गया है। और इसी तरह से फिल्म सिटी का भी जो अप्रेजल और DPR वगैरह आई हैं उसको भी बोर्ड ने अपने कमेंट्स के साथ में गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने के लिए आज अनुमोदन दे दिया है, जिससे कि ये फिल्म सिटी का भी काम को गति मिलेगी और इसमें भी तेज़ी से इसमें डिसीजन आगे हो जाएगा। तो फिल्म सिटी